नमस्कार। मध्य प्रदेश के सभी बीएड और डीएड करने वाले विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों का सभी का स्वागत है भारत इन्फो यूट्यूब चैनल में, जहां से आपको मिलती है हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो हो चुकी है। रिजल्ट भी कल लगभग अगले महीने तक आ जाएगा, मतलब आचार संहिता खत्म होने के बाद। हमें मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो, अब जो वर्ग एक या वर्ग तीन की बात की जाए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए, उसमें भी लगभग जो है अगले महीने नोटिफिकेशन आने वाला है। उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में बीएड और डीएड जो वाले विद्यार्थी हैं, मित्र हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के जो बीएड और डीएड वाले हैं उनके लिए यहाँ पर क्या प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखते रहिए वीडियो के साथ में, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। देखिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे बीएड योग्यता धारक अभ्यर्थी भी बन सकेंगे पांचवी कक्षा तक शिक्षक। पूरी जानकारी देखेंगे, मुकेश प्रताप है सैपुरा, मध्य प्रदेश के सागर जिला में है सैपुरा। सागर में किसी और जिले में है मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, कुछ में है जो ये जो सैपुरा जो जिला है या तहसील है। NCTI के नियमों के संशोधन कर अभ्यर्थियों को दी राहत, 6 महीने पर ब्रिज कोर्स करना होगा पास। NCTI के लाखों बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी गई है। बीएड योग्यता धारी अभ्यर्थी अब कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए भी पात्र होंगे, बशर्ते उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर 6 महीने का विज्रे कोर्स उत्तीर्ण करना होगा। उसके लिए NCTI के नियमों में बदलाव किया गया है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, मतलब जो वर्ग 3 की होने वाली है, अब बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी दोनों लेवल, प्राथमिक लेवल मतलब 1 से 5 तक और द्वितीय लेवल मतलब कक्षा 6 से 8 तक में सम्मिलित हो सकेंगे। शिक्षक अधिकार के अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार NCTI में तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों भर्ती को दो भागों में बांटा गया था। प्रथम लेवल में कक्षा 1 से 5 को बनाया गया है। इसमें BTC जो है BSTC एवं इसके समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रथम लेवल का तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने का पात्र माना है, और द्वितीय लेवल कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी। RTI एक्ट के अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए BSTC एवं बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के बिना BSTC एवं बीएडधारी अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर होगा, यहाँ देखेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रथम लेवल से होंगे हो गए थे बाहर। 2012 में जिला परिषदों के माध्यम से 40,000 पदों के लिए कराई गई थी तृतीय शिक्षक श्रेणी जो परीक्षा में भर्ती, जो शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पहली बार प्राथमिक जो प्रथम लेवल की भर्ती से बाहर कर दिया गया था। उन्हें महज द्वितीय लेवल के पदों की भर्ती में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में प्रदेश में वर्ष 2013 और वर्ष 16 और 18 में करीब 1 लाख से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती हुई, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो मध्य प्रदेश में हुई इस तरीके की कार्रवाई के माध्यम से आपको वर्ग 3 में जो है मौका मिलने वाला है भर्ती। अभी अगले महीने नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल जून में आप लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगले महीने आपकी आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए बीएड और डीएड की डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और वर्ग 3 में आपको एक शिक्षक बनने का मौका बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। और बिल्कुल आप बने रहिए चैनल के साथ, आगे की संपूर्ण तैयारी वर्ग 3 की इसी चैनल के माध्यम से आपकी कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, ग्रुप में, इंस्टाग्राम में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।